हेलो ट्रेडर्स एंड व्यूअर्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैप्टर 5 के पार्ट 2 में। आप लोगों को सबको बेसब्री से हमारे इस पार्ट 2 का इंतजार था। आप लोगों के सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर ये वीडियोस लेक्चर्स आपका पूरा करेंगे। आप इंतजार रखिए, धीरे धीरे हम लोग इन सारी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए पूरी आपके लिए सीरीज खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर आपको किसी स्टूडेंट को किसी को फास्ट तैयारी करनी है तो आप ICFM इंस्टीट्यूट में उनके कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे NISM के रेगुलर बैचेस आपको मिल सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चैप्टर 5 में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे अपने स्प्रेड्स के बारे में, हमारा लास्ट टॉपिक था। तो एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक था कितने तरह के, हमने तीन तरह के हमने स्प्रेड्स डिस्कस करे थे। सबसे पहले डिस्कस करा था हमने बुलिश कॉल स्प्रेड, अगेन ये बाइंग वाली स्ट्रेटेजी थी क्योंकि बुल के साथ में कॉल आ गया, तो ये ऑफकोर्स कॉल जो होगा वो बाइंग के हिसाब से देखेंगे, तो बुलिश कॉल आ गया तो बाइंग की स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी हमने डिस्कस करी थी, अगर पुट के हिसाब से देखूं तो पुट के हिसाब से बाइंग स्ट्रेटेजी मेरी क्या बनेगी, बियरिश पुट स्प्रेड, ये भी मेरी बाइंग के हिसाब से स्ट्रेटेजी थी। और तीसरी जो मैंने एक डिस्कस करी थी कॉल को लेके, वो थी बियरिश कॉल स्प्रेड, क्योंकि कॉल के साथ में अब बियरिश आ गया है, तो ये मेरी थी सेल की स्ट्रेटेजी। एक जो हमने स्ट्रेटेजी अपनी पिछली क्लास में डिस्कस नहीं करी थी वो थी बुलिश पुट स्प्रेड, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अगेन देखिए व्यूअर्स, बुलिश पुट, तो पुट जनरली बाइंग के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो पुट अब मैं कब खरीदूंगा, जब मैं बियरिश होऊंगा, लेकिन यहां पे मुझे कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, बुलिश पुट स्प्रेड, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी बनेगी, सेल की स्ट्रेटेजी मेरी बनेगी। देखते हैं स्ट्रेटेजी में एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं। ये बढ़ते हैं बुलिश पुट स्प्रेड, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अगर बाजार अभी अगर 20,000 पे है, पुट आप कब खरीदेंगे, जब आपको लग रहा होगा कि बाजार उसके नीचे जाने के चांसेस हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपको बुलिश पुट स्प्रेड बनाना है, तो अगर जो पुट का बायर है वो अगर ये सोच रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, तो पुट का जो सेलर होगा वो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी बाजार को ऊपर भेजने की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रेडर होता है वो मान लीजिए कि 20,000 की उसने पुट यहां पे सेल कर दी, अब उसको प्रॉफिट्स कब शुरू होंगे, जब बाजार 20,000 या उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। लेकिन इस केस में अनलिमिटेड लॉसेस हैं क्योंकि उसने नेकेड पुट सेल की हुई है। अब इसी चीज को बस हम प्रोटेक्ट कर लेंगे एक हम लोग अपसाइड यानी डाउन साइड में एक पुट जो होगा हम वो खरीद लेंगे। सर 1900 की मैंने एक पुट यहां पे खरीद ली। अब देखिए 200 रुपये का स्प्रेड मेरा बन गया। मान लीजिए ये मैंने पुट यहां पे बेच दी 100 रुपये की, और ये यहां पे मैंने खरीद ली मान लीजिए 25 रुपये की, तो मेरा जो नेट आने में आ गए वो 75 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, क्रेडिट से मेरा स्प्रेड बन जाएगा। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि अगर बाजार की मैंने डाउन साइड प्रोटेक्ट कर ली, अपसाइड तो मेरी ऑलरेडी कुछ मुझे इशू नहीं है, क्योंकि अपसाइड होगा तो मेरे पास एक्सरसाइज करने को आने नहीं वाला। मुझे लॉस कब होते, जब मेरी डाउन साइड खुली हुई होती, इसी पोजीशन को बोला जाता है बुल पुट स्प्रेड। सिंपल, इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 75 रुपये, मैक्सिमम लॉस 200, जो इसका स्प्रेड है 200 माइनस 75, तो ये मेरा मैक्सिमम लॉस आ गया सर 125 रुपये का। बुलिश पुट स्प्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हमने क्या देखेंगे हम, सर बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजी आने वाली है अब, स्ट्रेडल। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्ट्रेडल और स्ट्राइंगल में।
एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल के बीच का डिफरेंस याद रखने में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेडल होता क्या है। स्ट्रेडल बाजार में दो तरह के ऑप्शंस हैं, पुट और कॉल। अब क्या हो जब मुझे नहीं पता सर किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों में पोजीशंस ले लूंगा। ध्यान रखिए मैंने आपसे बोला पोजीशंस ले लूंगा, या तो मैं दोनों में बाय की पोजीशन लूंगा या मैं दोनों में सेल की पोजीशन लूंगा। ऐसे नहीं लूंगा कि एक में बाय और एक में सेल, वो कुछ और स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो सेम स्ट्राइक की या तो बाय की पोजीशन ले ली या सेल की पोजीशन ले ली। जब मैंने बाय की पोजीशन ले ली तो उसे बोल दिया लॉन्ग स्ट्रेडल, जब मैंने शॉर्ट की पोजीशन ले ली तो उसे बोल दिया शॉर्ट स्ट्रेडल। अब होगा क्या, अगेन एग्जाम्पल लेते हैं हम 20,000 के, 20,000 का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 20,000 की मान लीजिए कॉल चल रही थी यहां पे 100 रुपए की और पुट चल रही थी करीब 90 रुपए की। तो ये मैंने जब खरीद लिया, ये मैं डेबिट का सौदा बना के चल रहा हूं, डेबिट मतलब मैंने खरीद लिया, तो 190 रुपए मैंने बाजार को दे दिया। मेरा जो लॉस रिस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैक्सिमम लॉस इज 190 रुपए। ब्रेक इवन सर क्योंकि इसमें मैंने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है, कॉल भी खरीद ली पुट भी खरीद ली, क्योंकि मुझे नहीं पता बाजार किस तरफ जाए। ये पोजीशन कब बनती है, जब बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, अगर रेंज बाउंड होगा तो सर स्ट्रेटेजी में वैसे नहीं आते हैं। अब देखिए जब बाजार 20,190 के ऊपर चला जाएगा, जब मेरा प्रॉफिट्स यहां से शुरू हो जाएंगे, अपसाइड की बात करूं और डाउन साइड की बात करूं, तो 20,000 में से जब मैंने 190 हटा दिया तो ये बचा सर 19,810। तो ये मेरा यहां पे डाउनसाइड का प्रॉफिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब मेरे ब्रेक इवन पॉइंट दो आ गए, 20,190 और 19,810। कुछ नहीं करा मैंने, 20,000 में जितना मैंने प्रीमियम लिया है उसको ऐड कर दिया अपसाइड का ब्रेक इवन निकालने के लिए, और जितना डाउनसाइड में मैंने 20,000 में जितना प्रीमियम दिया है उसमें डाउनसाइड में मैंने लेस कर दिया। सिंपल, एक कॉल को कंबाइन कर दिया, एक पुट को कंबाइन कर दिया। ये मैं अगर ऑप्शन बायर के प्रस्पेक्टिव से देखूं, यही मैं अगर ऑप्शन सेलर के प्रस्पेक्टिव से देखूं, तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद या तो 20,190 या 19,810 के नीचे और 20,190 के ऊपर मेरे लॉसेस शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर मैं शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करूं। तो ये हुआ मेरा शॉर्ट या लॉन्ग स्ट्रेडल। अगला चलते हैं सर स्ट्राइंगल। स्ट्राइंगल पिछली वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हमने क्या कहा था कि सर सेम स्ट्राइक की हम लोग कॉल और पुट या तो दोनों बाय करेंगे या दोनों सेल करेंगे। सर इसमें बस मैं एक चीज कह रहा हूं कि डिफरेंट स्ट्राइक की कॉल बाय या सेल और अगेन पुट बाय या सेल, दोनों कॉल या पुट बाय सेल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक कॉल बाय कर ली और एक पुट सेल कर ली, वो अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो बस इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्राइक, मान लीजिए कि 20,000 का अभी अगर मार्केट है तो मैंने अपसाइड में 20,200 की कॉल बाय कर ली, 20,200 की कॉल बाय कर ली मान लीजिए 25 रुपए पे, और डाउन साइड में 19,800 की पुट बाय कर ली। ये हो गया पुट, ये हो गया कॉल, तो ये भी मैंने 25 रुपए में डाउन साइड की पुट बाय कर ली। नेट में मैंने बाजार को 50 रुपए देने। अब अगेन उसमें जैसे सिंपल उसमें भी ब्रेक इवन निकला था मेरा, इसमें भी ब्रेक इवन निकलेगा। अपसाइड में ब्रेक इवन कहां से निकलेगा, जो मैंने स्ट्राइक परचेज करी है 20,200 + 50, तो स्ट्राइक प्लस जो मेरा नेट प्रीमियम है, ये मेरा अपसाइड का ब्रेक इवन हो गया। तो इसमें मेरा आ गया 20,250 और डाउनसाइड में कितना आ गया सर 19,750, ये मेरा डाउनसाइड का ब्रेक इवन आ गया। अगेन
मैं इसे बाय करके बनाता हूँ, सेल करके बनाता हूँ, तो ये मेरा ब्रेक इवन जो होगा, इसके बाद मेरे लॉसेस शुरू हो जाएंगे अगर मैं सेल की पोजीशन बना रहा हूँ, और मैं अगर बाय की पोजीशन बना रहा हूँ तो इसके बाद मेरे प्रॉफिट्स शुरू हो जाएंगे। और सेलिंग के केस में मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 50 रुपए का होगा, जो कि बाइंग के केस में मैक्सिमम लॉस है। अगेन बाइंग एंड सेलिंग इनवर्स रिलेशनशिप। मैंने अभी कहा था कि स्ट्रेडल और स्ट्राइंगल में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ट्राइंगल एक एक एंगल आ रहा है इसमें, एक एक वर्ड आ रहा है एंगल। तो एंगल की मैं बात करूं तो एंगल का एक एरिया होता है, जैसे इस इसमें हमने एक एरिया एरिया डिफाइन कर दिया सर, गैप डिफाइन कर दिया। ऐसी स्ट्रेंगल को जब हम एंगल के उसमें देखते हैं तो आप ध्यान रखिए वो एरिया वाली बात आप ध्यान रखिए। और स्ट्रेडल 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 को हम एक तरह से डिनोट करेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट वर्ड से। तो अगर आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखते हैं तो स्ट्रेडल और स्ट्राइंगल में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। चलते हैं हमारी अगली स्ट्रेटेजी पे, क्या आ रहा है। लॉन्ग स्ट्रेडल कवर हो गया हमारा, पे ऑफ्स कवर हो गए, शॉर्ट स्ट्रेडल कवर हो गया, और क्या आ रहा है सर हमारा, कवर्ड कॉल अभी करते हैं, उससे पहले क्या है, स्ट्रेंगल्स हमने कवर कर लिए, कवर्ड कॉल पे चलते हैं। देखिए आपके पास कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी सिंपली क्या है कि आपने कोई अंडरलाइंग होल्ड किया हुआ है, अंडरलाइंग इन द सेंस कोई आपने स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की मैं बात करूंगा क्योंकि अंडरलाइंग जब आप होल्ड करेंगे तो स्टॉक ही होल्ड करेंगे, इंडेक्स या तो आप फ्यूचर्स पोजिशन में आप होल्ड कर सकते हैं, पर कवर्ड कॉल की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है जब मेरे पास ऑलरेडी डीमैट में शेयर्स होते हैं, मैंने वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑलरेडी रखे हुए हैं, उन शेयर्स का मेरे को कोई डिविडेंड के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। जब उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी तो बात अलग है, पर वो शेयर्स रखे हुए हैं उनका कोई और यूज नहीं है, डिविडेंड्स आएंगे, एजीएम आएगी, वो सब चीजें अलग चीज है। पर एक क्या हो कि मैं अगर वो जो शेयर्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं उनके अगेंस्ट मैं अगर बाजार में जाके कॉल बेच दूं तो वो जो कॉल का प्रीमियम है वो मैं रिसीव कर सकता हूं, और क्योंकि मुझे अभी जो स्टॉक्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखने हैं, तो जो उस कॉल का जो अगर कोई लॉसेस हुए तो मेरी जो अंडरलाइंग में पोजीशंस हैं वो मेरे को उसमें बेनिफिट दे देंगे। समझ लेते हैं प्रैक्टिकल में, कवर्ड कॉल आप देखिए मेरे पास मान लीजिए अगर रिलायंस की पोजीशन है, मेरे पास 2500 रुपये का एक रिलायंस का कोई शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है और इसी की मैंने कॉल बेच दी, मान लीजिए 2550 की कॉल एक बेच दी मैंने 10 रुपए पे, तो अब होगा क्या, इस कॉल में मेरे को लॉसेस कब शुरू होंगे, जब ये जो रिलायंस का स्टॉक है ये 2550 प्लस रुपए 10, ये 10 रुपए मैंने रिसीव कर लिया, यानी 2560 रुपए से ऊपर जब ये जाने लगेगा तो मुझे इसमें लॉसेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लॉसेस जो मेरी अंडरलाइंग पोजीशन है यहां से मेरे कवर हो जाएंगे, तो अंडरलाइंग पोजीशन में मेरे को क्योंकि लॉन्ग है वो प्रॉफिट्स हो जाएंगे, और जो मेरी कॉल की पोजीशन है वहां पे मेरा जो लॉस है वो मेरा उससे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर तो इस पोजीशन में मैंने 10 रुपए जो है कॉल का प्रीमियम एज इट इज खा लिया, इसी को बोला जाता है कवर्ड कॉल। आगे बढ़ते हैं, कॉलर सर, कवर्ड कॉल का ही एक एक्सटेंशन होता है कॉलर। अब कवर्ड कॉल में जैसे हमने देखा है कॉल हमने बेच दी, लेकिन इस सिनेरियो में मेरी डाउनसाइड प्रोटेक्ट नहीं है, हालांकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, लेकिन क्या हो अगर मैं इस पोजीशन में अपनी डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट कर लूं, तो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक जो पुट होगी वो यहां पे खरीद लूंगा। ये देखिए एन इन्वेस्टर इज ऑलरेडी लॉन्ग द अंडरलाइंग क्रिएट्स अ कॉलर बाय बाइंग एन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। सर एक मैंने कॉल बेच दी और एक मैंने नीचे की पुट खरीद ली, तो मैंने जो मेरी जो डाउनसाइड है वो भी मैंने पुट खरीद के अपनी इक्वल कर ली, और कॉल का प्रीमियम मैंने अपने पास एज अ मेरा प्रॉफिट वहां पे आ जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अंडरलाइंग में है
तो मेरी अपसाइड प्रोटेक्ट हो गई, मेरी डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो गई, तो उसी स्ट्रेटेजी को बोला जाता है कॉलर। आगे बढ़ते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड। सर अभी अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में क्या था कि दो पोजीशन मैंने कॉल और पुट में सेम स्ट्राइक में मैंने या तो खरीद दी या बेच दी। मैं अगर बेचने वाली यानी शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करूं तो इस केस में मेरा जो डाउनसाइड है वो एक्सपोज है अनलिमिटेड लॉसेस के रूप में, क्योंकि दोनों साइड मैंने अपनी पोजीशन खड़ी की हुई है। अगर मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आ गया तो मुझे ऑब्वियसली लॉस होना ही होना है। अब मुझे नहीं पता कि किस तरफ मूवमेंट आएगा, मुझे अपनी पोजीशन हेज भी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो मिडिल में कॉल और पुट दोनों बेची हुई हैं, बटरफ्लाई सर इसको शॉर्ट स्ट्रेडल से समझेंगे हम। शॉर्ट स्ट्रेडल में मैंने कॉल और पुट दोनों बेची हुई है। मान लीजिए कि 20,000 की मैंने कॉल भी बेच दी और पुट भी बेच दी। अब इस सिनेरियो में अगर एक तरफा मूवमेंट आ गया तो मैं एक्सपोज हूं अनलिमिटेड लॉसेस के रूप में। अब इस पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक 20,200 कितने भी स्प्रेड के, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इसी को बोला जाता है स्प्रेड। तो 20,200 की मैंने एक यहां पे कॉल खरीद ली ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ खरीदने से मेरा अपसाइड प्रोटेक्ट हो गया कॉल से, और एक 19,800 की मैंने पुट खरीद ली, तो नीचे की पुट खरीदने से मेरा डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो गया। तो इसी को बोला जाता है, एक तरह से मैंने स्ट्रेडल में अपने विंग्स लगा दिए, इसलिए स्ट्रेटजी का नाम है बटरफ्लाई। तो मेरी इससे अपसाइड और डाउनसाइड दोनों प्रोटेक्ट हो जाती हैं, इसी को बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। सिंपल, आपका जो इसमें ब्रेक इवंस निकलते हैं वो जितने आपने स्प्रेड्स की अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें से आप अपना जो नेट प्रीमियम है उसको जब आप माइनस कर देते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस निकल आता है। शॉर्ट बटरफ्लाई है, लॉन्ग बटरफ्लाई है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपने ये जो पोजीशन ली है इसमें आपने, क्योंकि आपने अगर एट द मनी कि दोनों कॉल या पुट बेची हैं तो आपको जो प्रीमियम रिसीव होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जो आपको यहाँ पे आउटफ्लो देना पड़ेगा, तो आपका जो बटरफ्लाई बनेगी वो क्रेडिट में बनेगी। अगर ये आपने दोनों चीजें यानी ये वाली 20,000 की जो एट द मनी वाली है ये आपने दोनों चीजें खरीदी हैं और ऊपर नीचे की आपने बेच दी, बेच क्यों देंगे सर, क्योंकि आपने ऑलरेडी खरीदी है तो बेच इसलिए देंगे जिससे जो खरीदने की कॉस्ट है वो मेरी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कम होने के साथ साथ मेरे जो उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी मेरे कम हो जाते हैं। तो सर ये थी मेरी हमारे मॉड्यूल की बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं और प्रोटेक्टिव पुट पे आते हैं। अब एक हमने पढ़ी थी कवर्ड कॉल, जब था मेरा ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक था, उस स्टॉक से मैंने कैश इन करने के लिए कुछ उसका प्रीमियम बेच दिया था, और एक पढ़ी थी मैंने कॉलर जिसमें मैंने उसकी डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट कर ली थी। तो कॉलर मैं अगर कवर्ड कॉल माइनस कॉलर करता हूं तो मेरा निकल के आता है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट मेरा नाम से ही क्लियर है कि मेरे पास कोई अंडरलाइंग पोजीशन है, उस पोजीशन को मैंने हेज करने के लिए कोई एक पुट खरीदी हुई है जिससे मेरा जो डाउनसाइड है वो प्रोटेक्ट हो जाए। अपसाइड मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टॉक है वो अपसाइड मूवमेंट दे, और डाउनसाइड मैंने प्रोटेक्ट कर ली वैसे एक मामूली सा प्रीमियम दे के कि मेरा डाउनसाइड प्रीमियम भी वहां पे प्रोटेक्ट हो जाए। तो सर ये होती है मेरी प्रोटेक्टिव पुट। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इंटरप्रेटिंग ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशो। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, अब उसका हम फर्दर एनालिसिस देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइजेस को मिला के किस तरह से हम मार्केट की डायरेक्शंस को एक अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह एक मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और देखिए ओपन इंटरेस्ट की मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूं
तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दो तरह के ओपन इंटरेस्ट होंगे, मैं बात करूंगा फ्यूचर्स के, क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखना है। ऑप्शंस में क्या होगा, मुझे हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक कंबाइंड फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, अब देखिए क्या होगा कि अगर फ्यूचर्स में किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स की मैं बात करूं, तो उसका प्राइस अगर ऊपर जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, तो इस पोजीशन को बोला जाता है लॉन्ग बिल्डअप। सर, लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नई पोजीशंस बन रही है मेरी और प्राइस भी मेरा ऊपर जा रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप। तो सेकंड सिनेरियो मेरा क्या बनेगा, जब मेरा प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन ओपन इंटरेस्ट मेरा नीचे जा रहा है। इस केस में आप देख रहे हो प्राइस, तो प्राइस में मूवमेंट है लेकिन ओपन इंटरेस्ट जब कम हो रहा है तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें अनवाइंडिंग हो रही है। तो इसको बोला जाता है आपको शॉर्ट अनवाइंडिंग। शॉर्ट अनवाइंडिंग क्या होती है सर, प्राइस उस शॉर्ट अनवाइंडिंग की वजह से जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो जैसे ही वो पोजीशन क्लोज करने लगेंगे उनको जो अपनी पोजीशन है वो बाय करनी पड़ेगी। इस वजह से प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन अनवाइंडिंग चल रही है, इस वजह से ओपन इंटरेस्ट मेरा डाउन जा रहा है। तीसरा सिनेरियो, मेरा प्राइस डाउन जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट अप जा रहा है। सर बहुत सिंपल है, इसका अपोजिट यानी शॉर्ट बिल्डअप। प्राइस नीचे ओपन इंटरेस्ट ऊपर, सेलर्स हावी है बाजार पे। चौथा, प्राइस नीचे और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जो अब लॉन्ग वाले थे वो अपने पोजीशन को अनवाइंड करने लगे हैं, वो अब हार मान चुके हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगे हैं, तो इस वजह से प्राइस जो है मेरा नीचे जाएगा, क्योंकि अब वो बेचना उन्होंने चालू कर दिया। अब वो अपने क्योंकि पोजीशंस बंद कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बाजार में कम होता दिखाई देगा। इन 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 सिनेरियो पे आपके एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, और एक नॉर्मल नॉलेज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को कोरिलेट करते हैं फ्यूचर्स में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हेन अ ट्रेडर बाइज अ लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन व्हाट ही इज डूइंग। पूछ रहा है लॉन्ग स्ट्रेडल, तो बाय वन एटीएम ऑप्शन एंड सेल्स वन एटीएम ऑप्शन। देखिए मैंने क्या कहा था, लॉन्ग में स्ट्रेडल में या तो दोनों पोजीशन बाय होंगी या दोनों पोजीशन सेल होंगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, बायस बोथ एटीएम ऑप्शंस। सर ऑप्शन नंबर 2 अभी तक मेरे को ठीक लग रहा है, बायस वन ओटीएम ऑप्शन एंड सेल। ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बायस बोथ एटीएम ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ अ ट्रेडर बायस अ स्ट्रेडल, अगेन स्ट्रेडल का क्वेश्चन, ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,000 ऑन निफ्टी, 17,000 कॉल एंड पुट ऑप्शन एट ₹50, व्हाट आर द ब्रेक इवन प्राइजेस। सर दो ब्रेक इवन प्राइजेस आएंगे, बहुत अच्छे से अभी डिफाइन करा है। पूछ रहा है बस 17,000 का स्ट्रेडल मैंने बाय कर लिया। इफ अ ट्रेडर बाय अ स्ट्रेडल, 17,000 का स्ट्रेडल बाय कर लिया ₹50 पे, तो करना कुछ नहीं है, 17,050 और 17,000 में से 50 माइनस करा तो कॉल में मेरा कॉल में आ गया 17,050 का, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, 17,050 का मेरा कॉल का ब्रेक इवन हो गया, पुट का हो गया 16,950। वेरी सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ ट्रेडर बायज अ 17,000 कॉल ऑप्शन ऑन निफ्टी एंड सेल्स 17,500 कॉल ऑप्शंस ऑन निफ्टी, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी। सर कॉल ऑप्शन ही बाय करा है और कॉल ऑप्शन ही सेल करा है, इसका मतलब उसने स्प्रेड बनाया है, जो हमने स्प्रेड पढ़े थे अभी। तो ये कौन सा स्प्रेड है सर, बुल कॉल स्प्रेड, क्योंकि बाय कर लिया 17,000 का और सेल कर दिया 17,500 का अपने कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी बुल कॉल स्प्रेड इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन अ ट्रेडर ओपन अ कैलेंडर स्प्रेड पोजिशंस देन सच ट्रेडर्स आर सब्जेक्ट टू लेस मार्जिन। सर कैलेंडर स्प्रेड क्या है, एक को खरीदा एक को बेचा,
आपकी पोजीशन हेज्ड है, तो ऑफकोर्स एक्सचेंज को भी पता है कि आपकी पोजीशन हेज्ड है, तो वो मार्जिन आपसे कम लेगा। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द व्यू ऑफ द ट्रेडर व्हेन ही क्रिएट्स अ बुल कॉल स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड सर, बुल कॉल स्प्रेड ऑब्वियसली बुलिश व्यू है। कॉल अपने आप में एक बुलिश स्ट्रेटेजी है और उसमें आपने लगा दिया बुल कॉल स्प्रेड, तो ऑब्वियसली द व्यू इज बुलिश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द व्यू ऑफ द ट्रेडर व्हेन ही क्रिएट्स अ बुल पुट स्प्रेड? बुल पुट स्प्रेड, आपका व्यू किससे पता चलेगा? इस वर्ड से, बुल, आगे देखना ही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुलिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ अ ट्रेडर टेक्स अ, क्या कह रहा है, इफ अ ट्रेडर टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन इन निफ्टी कॉल ऑप्शन एट अ स्ट्राइक ऑफ 17,250 एंड टेक्स अनदर लॉन्ग पोजीशन एट पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,250। सर अगेन, इफ अ ट्रेडर टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग ले लिया उसने निफ्टी कॉल का 17,250 एंड टेक्स अनदर लॉन्ग पोजीशन, सर सेम स्ट्राइक पे उसने लिया है, तो स्ट्रेटेजी का नाम लॉन्ग स्ट्रेडल। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन एट, इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 17,500 एंड ट्रेडर टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन इन कॉल ऑप्शन ऑफ 18,000 एंड टेक्स अनदर शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन एट अ स्ट्राइक ऑफ 17,000, सर कॉल और पुट दोनों में उसने शॉर्ट पोजीशन ले ली, लेकिन इसने उसने रेंज देखी, सर स्ट्रेटेजी का नाम हो गया, क्या हो गया बताइए सर? स्ट्रेंगल, शॉर्ट हुआ क्योंकि उसने शॉर्ट करा है, तो शॉर्ट स्ट्रेंगल। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजी विच हेल्प्स टू मेक एक्स्ट्रा इनकम व्हाइल होल्डिंग द स्टॉक इन? अभी डिस्कस करा था सर, कवर्ड कॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ बटरफ्लाई स्प्रेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्ट स्ट्रेडल। बिल्कुल है सर, शॉर्ट स्ट्रेडल का ही एक्सटेंशन है बटरफ्लाई स्प्रेड, जिससे हमारा मैक्सिमम लॉस रिस्ट्रिक्ट हो सके, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। कॉलर इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द कवर्ड कॉल। सर बिल्कुल गलत बात है, कॉलर ही तो कवर्ड कॉल का एक्सटेंशन है, जिसमें हम नीचे की साइड एक पुट बाय कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। तो सर ये हुए हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। हमें इस तरह से, हमें कमेंट्स में बताते रहिए, और आप अगर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज ये सब सीखना चाहते हैं, किस तरह से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। दिए गए नीचे नंबर्स पे तुरंत कॉल करिए और एडमिशन्स के लिए अपनी सीट बुक करिए। थैंक यू सो मच।